हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता पास शिक्षकों की आज से होगी पदस्थापन प्रक्रिया। ये सहरसा का न्यूज़ पेपर है, दैनिक भास्कर, 26 पाँच 2024 का। सक्षमता परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया जो है आज से होगी शुरू। सहरसा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने के लिए DPO स्थापना सहित कई कर्मी को पटना भेजा जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी जियाउल हुद्दा खान ने अपर राज्य परियोजना निदेशक बिहार पटना को लिखे पत्र में कहा कि सहरसा जिला में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने हेतु राज्य मुख्यालय में 26 मई 2024 को उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो DPO स्थापना का कहना है कि सहरसा जिले का आज जो है 26 मई को पटना में उपस्थित होकर जितनी भी रिक्ति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो उसको उस पर सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना है, क्योंकि सभी विद्यालय से मांगा गया था कि कहाँ से कितने शिक्षक सक्षमता दिए हैं, कितने उत्तीर्ण हुए हैं, कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं या कितने नहीं दिए हैं, या फिर BPSC वाले शिक्षक कितने हैं वहाँ पे, और जो पुराने वाले नियमित हैं वो कितने हैं। सारा फॉर्मेट में भर के देना था, उसी के आधार पर रिक्तियाँ जो है सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। और उप निर्देश के आलोक में सहरसा जिले से भेजे जा रहे पदाधिकारी और कर्मी इस प्रकार होंगे। DPO स्थापना संजय कुमार, लिपिक स्थापना सत्यमानंद, BPM कहरा आलोक कुमार और डाटा ऑपरेटर सागर कुमार जो है सो होंगे। तो आज जो है सहरसा जिले का पदस्थापन का प्रक्रिया जो है शुरू होगा। आज रिक्ति जो है सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा और उसके बाद जो है चुनाव का जब भी रिजल्ट आ जाता है, काउंटिंग हो जाता है, तो फिर जो है रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से विद्यालय अलॉट जो है वो हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।